हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सेड। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू गेम जिसका नाम है रेंट सिमुलेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर फर्स्ट आई थिंक वी हैव टू क्रिएट करेक्टर, कोई थोड़ा फार्मर टाइप भी होना चाहिए, वो सॉरी रेंचर टाइप होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट ऑप्शंस वी हैव। This one looks good, but I think we need here for him. नहीं, ranchers के इतने अच्छे बाल नहीं बने होते यार। This one is white, and we will do it black. No, this okay. Eyes are okay. Eyebrows are okay. Mouth is okay. Jaw is okay. Body, yeah, that will be okay. No, wait. Wait, it's okay. Let us t-shirts. No, wait. Casual shirts. रेंचर हैं तो आई थिंक रेंचर के थोड़े से टी शर्ट टाइप के कपड़े होने चाहिए। दिस वन लुक्स गुड, नो दिस वन, एंड वी विल चेक। ओके, वी हैव जैकेट्स ऑल्सो। हाँ ना, आर्मी वाला बंदा नहीं बनाना हमने। नॉर्मल, दिस वन लुक्स गुड। जीन्स पहनी है इसने तो, जैकेट्स भी अच्छी हैं। दिस वन इज लुकिंग गुड, एंड लेट अस चेंज हिज पैंट। ओह, ग्लासेस, या नीड ग्लासेस। No, black one is okay. Simple glasses, no. Simple glasses looks odd. Hands, कुछ नहीं. For boots, boots is okay, I think. Sneaker one, sneaker is good. And sneaker में भी हम थोड़ा match match कर लेते हैं. Yeah, this one is okay. लोअर बॉडी जीन्स ओके, ओके कार्गो पैंट्स भी हमारे पास। सो सूट्स पैंट्स नो, शॉर्ट्स नो, जीन्स और कार्गो पैंट, इन दोनों में से कोई एक चूज करने के लिए। ओके, आई थिंक कार्गो पैंट इज ओके। और क्या रहता है, आई थिंक ऑल थिंग्स आर डन, सो वी शुड सेव इट। या सेव्ड।
लौंडा तो स्मैक्स ही लग रहा है। यस न्यू गेम गेट लॉस्ट यू कैन पुट अ मार्क ऑन द मैप इन द गेम मेन्यू। ओके वी विल डू दैट। ओके दीज आर दी मूवमेंट्स होल्ड टू वी चेंज कैमरा जम्प क्राउच स्प्रिंट मूव ए डब्ल्यू एल। ओके ओके लेट्स सी चलते हैं रेंज की तरफ एंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ओके लेट अस गो टू द वेलकम टू द रेंच फॉलो द ब्लू आइकन एंड रीड द लेटर। ओके यहीं कहीं लेटर होना चाहिए। भागता कैसे? अच्छा शिफ्ट से भागता है। हेलो ग्रैंड चाइल्ड If you read this letter, then you agree to fulfill my last will and came to our family ranch. It is because I don't have time and opportunity to deal with it. Come into the hall. I love you. Thank you. I'll help you. I believe you are loving grandfather. ओके भाई तो कैन साहब जी का कहना ये है कि जो लेटर में लिखा है तो वो बोल रहे हैं इनके ग्रैंड फादर जी के उनके पास टाइम और अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो काम कर सकते और अपना रेंच सही रख सकते। तो अगर तुम आ गए और तुमने ये रीड कर ली है इनका लेटर तो इसका मतलब ये है कि आपने मेरी लास्ट विश फुलफ़िल करने के लिए ठान ली है। तो आई थिंक ये बंदा अपने ग्रैंड फादर की विश को फुलफ़िल करने के लिए आया है और रेंच को वापस बनाने के लिए आया है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। टू ओपन क्वेस्ट आई ओके टर्न ऑन द रेडियो ऑन द वॉल एंड फाइंड द टेंट। ओके अरे क्या बुरी आदत हुई है इस बंदे की इस रेंच की सॉरी व्हाट इज भैंस की व्हाट आर दरवाज़ा टूटा हुआ है एवरीथिंग इज़ रॉटन एंड ब्रोकन। तो हमें रेडियो ढूंढना है पहले सबसे पहले और उसको ऑन करना है। ओके दिस वन इज़ रेडियो ऑन कर दिया। ओपन फाइंड द टेंट। ओके टेंट आई थिंक यहाँ बीच में है। आर टू सेव गेम। ओके आर टू सेव गेम। ओके नाउ एटिक में जाके हमने चीज़ें निकालनी हैं हमारे ग्रैंडफादर की। तो रिमूव ऑब्स्टिकल फाइंड दी चेस्ट एपिस्टिक। व्हाट अ अनोइंग म्यूजिक मैन आई डोंट लाइक इट। चलो जी ऊपर का रास्ता आई थिंक यहाँ से लेट्स गो। ऑब्स्टिकल या दिस वन इज ऑब्स्टिकल। ओके टैब होल्ड टैब। कैसे कैसे जाना है क्राउच किससे करता है। ओके सी से क्राउच करता है। ओके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं
एक पिस्टल मिल गई हमको, राउंड्स मिल गए बुलेट्स के, पैसे मिल गए 500, और ये एक और लेटर। ओके, तो भाई इनके ग्रैंडफादर की एक यूटीवी खड़ी हुई है गैराज के अंदर जो कि ऑपरेशनल नहीं है, वो भी हमने बनानी है। और दूसरा उन्होंने गन इस वजह से दिए हमें कि हम जाके शिकार भी कर सकें, तो फॉरेस्ट में जाके हम चीज़ों को मारेंगे, बेसिकली जानवरों को मारेंगे और उनका मीट वीट कुछ होगा सीन, वो आगे देखते हैं क्या स्टोरी। पहले तो चलें यूटीवी बनाएं। ये सारे ब्लू आइकन्स आई थिंक चीज़ें ही हैं, पार्ट्स ही हैं आपके। या दिस वन स्टाइल, ओके ये है यूटीवी, प्रेस इट टू इंस्टॉल। ओके चलें अब जल्दी जल्दी इसको इंस्टॉल करते हैं सारी चीज़ें इसकी। कुछ ज़्यादा छोटी सीट नहीं है, वन मोर। तो हमारा बम्पर गार्ड लग चुका है, सीट्स लग चुकी हैं दोनों, और हमारा जो है व्हील्स दो रह गई हैं, फ्यूल टैंक रह गया। टू व्हील्स लेफ्ट और फ्यूल टैंक, तीनों चीज़ें अंदर ही हैं। ओके ये दरवाज़ा भी खुल जाता है। लास्ट है लेफ्ट, ओके आई थिंक हमारी यूटीवी इज ऑलमोस्ट डन। ओके जेरी कैन ढूंढना है हमने, जेरी कैन ये रहा, ओके जेरी कैन यही रहा। रोटेट ऑब्जेक्ट एंड प्लेसमेंट टू कंफर्म, ठीक है। तो हमने जेरी कैन भी प्लेस कर दिया है और अब हमको जाना है गैस स्टेशन। आई थिंक गाड़ी में फ्यूल कम है, या फ्यूल कम है और हम दरवाज़ा बंद करना भूल गए हैं, तो हम उतर के दरवाज़ा बंद करेंगे और फिर चलेंगे। ओके गाड़ी स्टार्ट करने के लिए हमें इग्निशन ऑन करना पड़ेगा। चलो जी हमारी गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है और हमें जाना है वहाँ पे। आई डोंट वी टेक अ शॉर्टकट, गाड़ी कहाँ फंस गई है।
फाइनली गाड़ी निकल गई। तो अब 52 किलोमीटर्स मीटर्स आ गया, सॉरी किलोमीटर बोलो मैं। सो वी हैव रीच्ड। ओके पिकअप ई टू पुट ई टू स्टार्ट फीलिंग। दोनों में हम फ्यूलिंग करवा लेते हैं, फुल फुल टैंक करवा लेते हैं दोनों के। ओके टॉक विद दी कार सेल्स पर्सन। ओके सो अब टैंक फुल हो गया हमारी गाड़ी का। अब हमने जाना है कार सेल्स पर्सन के पास, तो वो ओके वो वहाँ आ गए। तो अब रोड ही लेते हैं, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। और मौसम हो रहा है बारिश का। हम आ गए हैं कार सेल्स पर्सन से बात करनी है हमें। ओके हमने बातें कर ली हैं उससे। अब हमें अपने एक तो रेडियो का बहुत शौक था लगता है इनके ग्रैंड फादर को, तो रेडियो इसमें भी लगवाना चाह रहे हैं वो। चलें रेडियो इंस्टॉल करवाते हैं इसमें। ओके एक्स्ट्रा के अंदर रेडियो। ओके अपग्रेड डन। टॉक विद दिस सेलर। ओके सेलर से भी बात करनी है, तो हम शॉर्टकट लेंगे डायरेक्ट चले। आई थिंक शॉर्टकट लेते हैं क्योंकि रात होने वाली है। सीरियसली समझ में नहीं आ रहा ये किस टाइप की गाड़ी है।
So we are here. ओके ये सारे आइटम्स हमें बाय करने हैं, सो बाय करते हैं, चलें। एक्स था, क्रोबार था, एक्स था, हैमर था, आई थिंक ये थे, और क्या था, वॉच दिख रहा है। नहीं, आई थिंक दैट्स ऑल। नो, दो तीन आइटम्स और थे, वो देखते हैं हम क्या है। ओके, एग बास्केट, टू चिकन, एग बास्केट, वेयर इज एग बास्केट, पहले दो चिकन ले लेते हैं, तीन ले लेते हैं आई थिंक, एक दो तीन, तीनों एक एक कलर की। या दिस वन इज एग बास्केट, एग बास्केट में हमें दो ले लेते हैं ताकि बाद में भी काम है। हमारा टोटल हो गया है $170 और चले। ओके, ये आइटम्स हमें बाहर से उठाने हैं। ओके ओके ओके, सारी चीज़ें यहाँ पे। बस सामान पूरा आ जाए। पिकअप, ओके, अब हमें रेंट जाना है अपने वापस। पहले सामान पूरा कर लें। दो चिकन और भी गई, सो दैट्स ऑल। अब चलना है रेंच और रात भी होने ही वाली है, तो चलते हैं। आई थिंक ये शॉर्टकट पड़ेगा यहाँ से, यहीं से चलते हैं। मौसम ख़राब होने लग गया है, तो हम पहुंच चुके हैं अपने लंच में। चिकन्स पुल्ड आउट, ओके।
अच्छा, ग्रेन्स फाउंड तो वो फूड ऑन द पॉइंट। ओके, ये रही हमारी ग्रेन जो चिकन की फीड होती है, वो हम उठाएंगे और ये हम वहाँ पे रखेंगे। मौसम जैसे कि बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ओके, बकेट फाउंड, वाटर टैंक इंस्टॉल एनीवेयर इन द रेंच, बकेट ऑफ द वाटर पूअर। ओके, पहले हम बकेट उठा लेते हैं। बहुत गंदा मौसम हो गया, अभी हमें सो जाना चाहिए था आई थिंक, लेकिन फिर भी हम यहाँ रख देते हैं फिल वक्त। बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। कैसे, हमें सो जाना चाहिए अभी, कल उठ के देखेंगे कि क्या हो रहा है। अभी फिर वक्त जो है कुछ दिख नहीं रहा है और बिल्कुल अंधेरा हो गया, और हमें सोना टेंट में पड़ेगा। चलो, इस सुबह के 8 बज चुके हैं और हम उठ गए हैं। अब यहाँ पे हमें ऑक्सीडेंट से मूव करना है और ग्रास से मूव करना है। मौसम अभी तक सेम ही है, ए टू कट। ओके, कट हो गया, चॉप भी हो गया। ठीक, अब कूप बिल्ड करना है हमने, इधर इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, इसको भी चॉप कर लेते हैं, इसको भी काट देते हैं और चॉप कर लेते हैं।
साथ साथ ये चीज़ें भी करते जाएं। ओके, ये ऑल थिंग्स आर डन। अब हम देखते हैं इनका फूड। पहले अपनी गाड़ी साइड पे लगाएं हम। ओके, इसके अंदर हमें मॉसिस चेक करना है। ये मीडियम चिकन कूप बनेगा या वो बनेगा। वी हैव मीडियम ही बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास 283 ही हैं अभी बैलेंस, तो हम ये बना लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। होल्ड ई टू बिल्ड। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, उस चक्कर में हमें मुर्गियों को अंदर डालना ही पड़ेगा। तीसरी मुर्गी कहाँ गई? ब्लैक है और ये है ब्राउन, रह गई है ब्राउन, वो घूम रही है। उसको हमने पकड़ लिया। तो भी हमने अंदर डाल दिया।